हत्या की। जांजगीर चांपा जिले के दो किसान गौरीशंकर पटेल और हरिशंकर पटेल पहले ऐसे किसान बन गए जिनके धान को हाईकोर्ट के आदेश के बाद खरीदा गया। दरअसल दोनों किसानों के संयुक्त खाते में कृषि भूमि है। साल 2020 में किसानों ने धान बेचने के लिए डबरा तहसीलदार को आवेदन किया, लेकिन तहसीलदार ने संयुक्त खाते में कृषि भूमि होने की बात कहकर धान खरीदी के लिए पंजीयन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों किसानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दो बार कोर्ट के आदेश का पालन, तीसरी बार किसानों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाकर गुहार लगाई और मुख्य सचिव, खाद्य सचिव, सीओ, जिला सहकारी बैंक, कलेक्टर जांजगीर, नोडल ऑफिसर जांजगीर और एसडीओ डबरा को पक्षकार बनाया गया। मामले में हाईकोर्ट ने बीते 9 मार्च को सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता की धान की खरीदी सुनिश्चित करने के आदेश दिए। इसी निर्देश के आधार पर कलेक्टर जांजगीर चांपा ने सोमवार को 11 अप्रैल को टोकन जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए थे, जिसके बाद दोनों किसानों का 659 क्विंटल धान विभाग ने अब खरीद लिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आज दो किसान कृषक गौरीशंकर पटेल एवं हरिशंकर पटेल का 659.80 क्विंटल धान का खरीदी विभाग के आदेश के अनुसार किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक